अस्सलाम वालेकुम। आज पहली सुबह है दुबई आने के बाद। बस कल रात लैंड हुए, बस अभी सुबह हुई मेरी। फिलहाल दुबई में शाम हो गई है पर मेरी सुबह हो गई है। स्पॉट के पहली फुर्सत में मैंने अपने पौधों को पानी डाली। बेचारे सारे मेरी गैरहाजिरी में मेरे शोहर ने ध्यान नहीं दिए, सब मुरझा गए। ये भी बेचारे ढल गए थे नीचे, एकदम गिर गए थे। अभी पानी डाली तो फ्रेश होके खड़े हो गए। बस ये वाला है खजूर का, माशाल्लाह अच्छा बड़ा हो गया मेरी गैरहाजिरी में। और ये है स्ट्रॉबेरी, ये है मोगरा जो मुरझा गया। ये मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या डाल के बीज गई थी। एक तो टमाटर डाली थी, एक शिमला मिर्च डाली थी और शायद तरबूज डाली, याद नहीं आ रहा है मुझे। अब पता नहीं मेरे को, मैं भूल गई बीज डालने के बाद कि मैं क्या कौन सा बीज डाल के गई थी। आम का तो ये हाल हो गया बेचारे। चलो सुबह होती हुई है अभी, तो पहले नाश्ता करूं ताकि थोड़ी एनर्जी आए। और थोड़ा घर का मैस आपको दिखाती हूँ क्या की हूँ मैंने। अरे हो जाता है, बिस्मिल्लाह करते नाश्ते से। चलो घर आने के बाद तो काम तो इतना हो जाता है कि जिसकी हद नहीं। अब रूटीन शुरू, माँ बाप के आराम कर लिए, अब चलो रूटीन शुरू। अब इसको इसमें बड़ी बॉटल को छोटे में पो करके नाश्ता तैयार करें। बहुत सुस्ती आ रही सुबह सुबह नाश्ता रेडी करने के लिए। अब तो घर का मैस बाकी क्लीन करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है, पीछे का मैस इग्नोर करो क्योंकि बहुत काम बाकी है, सफाई बाकी है। कुछ रात में आके पहले बैग खाली की सारे, सही शॉपिंग की थी। अभी भी घर में मैस पड़ा है, पहले उठ के पहले नाश्ता करूँ, थोड़ी ताकत आए। हाफ फ्राई बना लूँ और चाय। इंडिया का पाव बड़ा याद आ रहा है, ब्रून पाव, लेस पाव, पर यहाँ तो नहीं मिलेगा, ब्रेड से काम चलाना है। जब तक तेल गरम हो रहा है मैं आपको यहाँ का मौसम बता दूँ। दुबई का मौसम अभी भी गरम है। शाम के 4 बजे शायद या 3:30, पर अच्छा खासा गर्म है अभी भी। कल रात लैंड होने के बाद भी थोड़ा गर्म था, फिर मिड नाइट थोड़ा मौसम सही हुआ, पर अभी भी गर्म है यहाँ पे। इंडिया में मौसम अच्छा हो गया था, थोड़ी ठंडक हो गई थी, शायद तेल गर्म हो गया है। अंडा बना के फिर पेक पूजा कर ले, फिर घर का हाल बताती हूँ। मेरी आदत है जब भी अंडा तोड़ती हूँ तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलती हूँ। बिस्मिल्लाह, पता नहीं क्यों बस एक आदत से बन गई। नहीं होता है कि गोल देना चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के कुर्बानी भी करते तो एक तरह से किसी मखलूक कुर्बान करते। ऐसे ही ये भी एक जीती चाहती चीज है। ऐसा अंडा किसको पसंद है जरा बताना जरूर, मुझे तो ऐसा बड़ा पसंद आता है। टर्न करावा नहीं पसंद आता, हल्का कच्चा पसंद आता है। कभी मैं अंडा ऐसे अलग अलग नहीं डालती हूँ, पहले प्याली में तोड़ के एक साथ डालती हूँ। पता नहीं क्यों बर्तन ज़्यादा धोने में नहीं डालने, इसके लिए मैं जितने ज़्यादा बर्तन हो गए तो मुझे भी धोना सस्ती आ रही है क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई है। मेहंदी लगाई हूँ तो बर्तन ज़्यादा जमा नहीं करना है तो धोना पड़ेगा, मेहंदी का रंग थोड़ा लाइट हो जाए। जल्दी फूट गई है, बना लेंगे आज।
नींद भी बहुत ज्यादा चाहिए। सर्दी टूटेगी तो थोड़ा और फीका फीका हो जाएगा। अब मेरा फर्स्ट व्लॉग देखोगे जिसमें अपना डेली रूटीन दिखा रही हूँ। रूटीन तो नहीं है यहाँ की लाइफ मेरी, कोई रूटीन की नहीं होती क्योंकि यहाँ किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं होती, सुबह जल्दी उठना या कुछ काम करना, बस नॉर्मल लाइफ है यहाँ। किचन थोड़ा मैस होना शुरू हो गया है, चले नाश्ता लेके साथ साथ आपको घर का हाल भी दिखाती चलूं। ये देखिए पूरे घर में किस तरह का मैस है, गुलाब की पंखड़ियाँ ही पंखड़ियाँ पूरे रूम में। ये शूज़ इनके शॉपिंग करके इंडिया से लाई थी, ये सारी बेडशीट्स है, ये मेरे सैंडल्स हैं, शूज़ है, इन्होंने मेरे लिए कपड़े जमा रखे हैं, ये सेट करना है। ये भुरका मैं पहन के आई थी, इसका दुपट्टा बड़ा अच्छा है, आई शो यू लेटर। ये है मेरे घर का हाल विथ ऑल ओवर गुलाब के पंखड़ियाँ ही पंखड़ियाँ पूरे घर में बिखरी हुई। मैं आपको एक वीडियो ऐड करूँगी इसमें जिसमें मेरे शोहर ने थोड़ा सा घर को मैं मुझे खुश करने के लिए थोड़ा सा सजाया था। ये सारी शॉपिंग करके सारा बैगेज यहाँ जमा है, वो सारे कपड़े जो पड़े हैं कॉर्नर्स में, वो सारे न्यू ड्रेसेस जो इंडिया से लाई थी। ये मेरा बेड का हाल है, ये भी सारा मैस। सारी मेडिसिन जो मैं इंडिया से लाई थी, स्नैक लाई रातों चकली, ये सब कुछ मैं इंडिया से लाती, सब ऐसा ही बिखरा हुआ है। अब सबको अपनी अपनी जगह पर रखना है, पहले नाश्ता पेट पूजा कर लूँ, चलो नाश्ता करने। एंड दिस इज़ मी इन माय न्यू कफ्तान, घर पहनने के लिए नया कफ्तान सिलवाई थी मम्मी से, और भी बहुत से कफ्तान सिलवाई हूँ, शो यू लेटर। पोहा खाने का दिल हो रहा, पोहा नहीं उपमा खाने का दिल हो रहा था, पर घर में ग्रोसरी बिल्कुल भी नहीं है, कड़ी पत्ता हरी मिर्ची कुछ भी नहीं है, फ्रेश ग्रोसरी, ड्राई ग्रोसरी तो है, तो चलो अंडे ही मिर्चे से ग्रोसरी से मंगा के खा लो। सजावट के टाइम में सजावट अच्छी तो लग जाती है, पर सफाई करने पड़े तो पता चलता है कि सफाई नहीं, सजावट नहीं चाहिए, सफाई नहीं करनी पड़ती तो पता चलता सफाई करनी पड़ेगी अभी, तो सजावट नहीं चाहिए भाई, डबल मेहनत हो जाती है। तो देखो पूरा मिस, फूल अभी भी खेले खेले होते ना, तो अभी भी नहीं हटाती, अभी भी रहने देती, और दो तीन दिन खिले हुए फूल अच्छे लगते।
अब ये गुलाब की पंखड़ी है, इसे कचरे में डाल नहीं सकते, इसलिए इसके उठा के मेरे पेड़ बोलती सर, मेरे पौधों के गमले में डाल दूंगी, गमलों की मिट्टी में नीचे इसको डाल दूंगी। गुलाब है, कचरे में फेंक नहीं सकते, और अल्लाह का शुक्र है मेरे शोहर ने इसको घर के सेंटर में नहीं ला रहे थे, किनार पे डाले थे ताकि पैरों में ना आए। इसको मिट्टी को ऊपर नीचे कर लूंगी और पानी डाल दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब जाके घर क्लीन हुआ है, पैकेज का पैसेज भी क्लीन हो गया, बेड क्लीन, साइड टेबल क्लीन हो गया, बस ये भी कपड़े थोड़े रखने बाकी हैं इनके, और ये न्यू बेडशीट्स रखनी बाकी है, बस अल्हम्दुलिल्लाह ऑल डन। बाहर का पैसेज भी क्लीन कर दी, यहाँ का पैसेज भी क्लीन हो गया धूल मिट्टी से। अब स्लो स्लो सारे सामान अपनी जगह पर जाएंगे, अभी तक तो सिर्फ घर क्लीन हुआ, डस्टिंग और झाड़ू पोछा हो गया है, सब कुछ परफेक्ट। स्लो स्लो आहिस्ते आहिस्ते सारा सामान अपनी जगह जाएगा इंशाल्लाह। ये भी थोड़ा थोड़ा क्लीन करना बाकी है, आज के लिए काफ़ी था भाई इतनी सफाई, अब बाकी की सफाई कल होगी। अभी क्लीन, अभी ड्रेसिंग भी क्लीन करना है शोहर की, मेरी गैराज़ी में शोहर ने पूरा मैस कर दिए है, उसको पूरा क्लीन करना है, मैस अरेंज करना है, वॉश सबको, सफाई कहीं जाके आओ तो माँ। ये देखो अभी भी सब क्लीन करना बाकी है, सब अभी भी तक क्लीन करने के बाद भी इतनी डस्ट है, अभी भी सब क्लीन करना बाकी है, सब जगह मेस्ट है, सफाई करनी है, अरेंज करना है, अभी भी कम से कम 2-3 दिन और लगेंगे क्लीनिंग करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए भाई। रात हो गई, रात का डिनर सिंपल दाल राइस एंड पापड़, क्या खाए सफ़र से आने के बाद। बस रात में खाना खाने के बाद इनका एक चैनल देखते हैं, मैं मेरे शोहर बहुत शौक से देखते हैं इनकी वीडियोस, और फिर बाद में बस सो जाते हैं। इसलिए अल्लाह हाफिज़ आप सबको, दुआ में याद, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।